हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजॉय फूड विद अ कुक। और देखिए ये है क्या है, एक कटोरी चावल जो हमारा मतलब इजीली घर में बच ही जाते हैं। मॉर्निंग में बनते हैं तो शाम तक बच ही जाता है, एक कटोरी तो लगभग बच ही जाता है। तो आज इस कटोरी से चावल से आज हम बनाने वाली हैं ऐसी गर्मियों में स्पेशल चीज़ जिसको खाकर सभी का मन एकदम ठंडा हो जाएगा और तरोताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं, ये मैंने सुबह बनाया था तो बच ही जाता है इजली सभी के घर में। तो चलिए बनाते हैं एकदम टेस्टी ठंडा ठंडा कूल कूल रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ मिक्सी का जार ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी एक कटोरी वाला चावल। तो आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ना ही कभी आपने इस तरह सा बनाया होगा ना ही कभी इस तरह से खाया होगा बनाकर। तो देखिए यहाँ मैंने डाला है आधा कप दूध, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है ये। तो बस इसमें मैंने मिक्स करा और यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, जो हमारी मलाई होती है ना वो वाली मैंने मलाई इसमें ले लिया है 2 चम्मच। बस इसको क्या करेंगे, इसको हम एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने 4-5 काजू, 4-5 पिस्ता, 4-5 बादाम ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने मन मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बस ढक्का लगा के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक मैंने यहाँ पे दरदरा पेस्ट तैयार सॉरी मतलब एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। दरदरा तो ड्राई फ्रूट्स होता है, तो यहाँ पे मैंने देखी इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया गाढ़ा गाढ़ा। तो बस इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच देसी घी। तो इसको अच्छे से थोड़ा गरम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये गरम हो गया, इसको चारों तरफ में अच्छे से फैला देती हूँ। और जो पेस्ट था ना, जो हमने चावल का पेस्ट बनाया ड्राई फ्रूट्स का, वो इसको अच्छे से थोड़ा यहाँ पे भून लेंगे इस पेस्ट को। तो सारा अच्छे से भून के अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है 4 चम्मच मिल्क पाउडर। तो देखिए यहाँ अच्छे से गाढ़ा हो गया था, सॉरी ये मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मैंने वो वीडियो नहीं दिखा पाया। और इसमें फिर से डाल देंगे 1 कप दूध। तो आप देख लीजिए इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे तब तक इसमें क्रीमीनेस नहीं आएगा। और 1 कटोरी दूध और मैंने डाला है यहाँ पे, तो अभी तक मेरा 2 कटोरी दूध इसमें यूज़ हो गया है। तो इसको अच्छे से चलाएंगे और मैंने यहाँ कर दिया है गैस को ऑफ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सभी को। तो आप देख रही होंगी यहाँ ये गाढ़ा हो गया है, तो आप आगे भी वीडियो देखते रहिए। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच लगभग इलायची पाउडर, जिससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और थोड़ी सी दूध में 2 चम्मच दूध में मैंने थोड़ा सा केसर भिगो दिया था, उससे कलर और अच्छा आ जाएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से मैंने चला दिया और देखिए यहाँ पे मेरा अभी गैस ऑफ है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें मिलाऊँगी शुगर पाउडर, तो जिससे ये मीठा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी शुगर पाउडर लिया है, क्योंकि 1 कटोरी ही चावल यूज़ किया था, तो 1 कटोरी शुगर पाउडर। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मीठा होता है, तो आप उतना ही मीठा यूज़ कीजिए जितना आप खाते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो मिल्क पाउडर कम यूज़ कीजिए या फिर शुगर पाउडर कम यूज़ कीजिए। तो बस इसको डाल के देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है शुगर पाउडर, तो इससे ये गीला हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसको हमें इतना ही मतलब इसका लिक्विड चाहिए था लिक्विड बेस में। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेटेंगे। और अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, तो बस इसको अच्छे से चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी गैस हमारा ऑफ है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने ले लिया है ये ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता, इसको महीन चॉप करके रख लेंगे। और यहाँ ले लिया है मैंने ये वाले ग्लास और ये चॉप कर लिया है मैंने ड्राई फ्रूट, इसमें हम इसको अच्छे से फैला देंगे। और जो पेस्ट तैयार किया था ना लिक्विड वेस्ट में, बस देखिए कितना अच्छा सा लिक्विड हो रहा है। तो बस इस ग्लास में हम इसको ऐसे डाल देंगे। तो ये दोनों ग्लास में मैंने 1/2 कप मतलब रख दिया है और फिर से ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया है। तो हम इनको कर देंगे थोड़ा साइड। अब यहाँ मैंने ले ली है ये वाली कटोरी छोटी छोटी,
इसमें भी इसको डाल देंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। अब वही वाला बैटर डाल देंगे फिर से, तो बस देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने सभी में डाल दिया है। अब इसमें भी मैं ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और डाल दूंगी, थोड़ा अच्छे से गार्निश कर दूंगी। अगर आप इस तरह से गर्मियों में बनाएंगे और किसी को भी खिला देंगे तो वो वाह वाह ही करेगा, सब पूछेंगे कि कैसे बनाया। और यहाँ मैंने लिया है, आप देख ही चुके होंगे, फॉइल लिए है यहाँ पे मैंने, इसको मैंने अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल इसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। तो देखिए ये इसको भी कर दिया है, अब मैंने दूसरे को भी अच्छे से कवर कर दिया है। और यहाँ देखिए मैं ग्लासों को भी अच्छे से कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन चारों को मैंने अच्छे से कवर कर दिया। अब मैं साथ में यहाँ पर लूंगी एक ग्लास, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी पहले, फिर से इसमें डाल दूंगी बैटर जो बनाया था, बस फिर से डाल दूंगी इसमें सारा बैटर डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स, और बस इसको भी हम फॉइल से कवर कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए इस शेप में मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। अब बस इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी मैं फ्रिज में, डीप फ्रीजर में। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया सी ड्राई फ्रूट्स वाली कुल्फी। तो आप देखिए इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना। यकीन मानिए अगर आप इसको किसी को भी खिला देंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये बचे हुए चावल से बनाई है, और आपका चावल भी अच्छे से यूज हो जाएगा और आपके गर्मी भी दूर हो जाएगी, इसको खाकर पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे और यकीन मानिए किसी को भी खिलाएंगे तो वाही वाही होगी। तो बस इसमें मैंने लगा दिया है ये चम्मच, आइसक्रीम वाली चम्मच स्टिक जो आती है वो लगा दी है मैंने इसमें। इसी तरह से मैं यहाँ सभी को आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो बाजार में जो मिलती है ना राजभोग कुल्फी, सेम वो वाला ही टेक्सचर है कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप बाजार में कभी नहीं खाएंगे, और आपके चावल भी मतलब बचेंगे नहीं, आप छटपट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इजीली इससे निकल भी जाएगा, थोड़ा सा पानी में मैंने इसको हल्का रखा और हल्के हाथों से अगर आप इसको थोड़ा घुमाएंगे तो ईजिली आपकी ये निकल जाएगी। और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना। तो इस तरह से बनाइए केसर पिस्ता कुल्फी, और किसी को भी बनाकर सभी को खिलाइए और गर्मी को दूर कीजिए और तरोताज़ा हो जाइए। तो बस देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने इसको शेपों में बना दिया है, और बस ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। तो इसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, और इन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो आप भी अपने एक्स्ट्रा चावल बनाइए और बचाइए, और आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।